राजस्थान की वैभवशाली धरती श्री गंगानगर। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। भारत की उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित गहरी आध्यात्मिकता और जातीय सौहार्द वाला ये जिला अपने परिश्रम, विकसित कृषि, श्रेष्ठतम उद्योग, विकासगामी शिक्षा और उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण विश्व प्रसिद्ध है। महामहिम महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल पेरिस के नक्शे पर बना वेल प्लान्ड मॉडर्न सिटी। भागीरथी गंग नहर के अमृत रूपी पानी ने इस निर्जन वियावान, लू की थपेड़े खाती प्यासी धरती रामनगर को श्री गंगानगर के रूप में हरा भरा और समृद्ध बना दिया। श्री गंगानगर यानी सतलुज की जलधारा पर एक सभ्यता का प्रादुर्भाव, वो एक दुनिया के सामने मिसाल है। ये जगदीत सिंह की धरती है जिसने पूरी दुनिया पर छाप छोड़ी है। ये कमलदीप सिंधु की धरती है, ये सीमा की धरती है जिस सीमा ने हिमालय पर झंडा फहराया। ये मेयर जिंदगी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर पताका फैलाया, ईरान के अंदर जाकर वर्ल्ड चैंपियन बने। ये लैला मजनू की जमीन है जिस पर उन्होंने प्यार का दुनिया भर का मिसाल रखा। ये वो धरती है जिसके अंदर महाराजा गंगा सिंह ने एक दुर्लभ काम को सुलभ किया। राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल गंगानगर के वक्षस्थल को तीरती हुई जाती है, यहाँ के लोगों को सरसब्ज कर दिया। जहाँ के कण कण में बसा है प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, जोश, जुनून, कर्तव्य निष्ठा, सफलता की ओर तेजी से चलते कदम। अमर रहे देश मेरा, आरजे तेरा, गंगानगर मेरा। बीकानेर रियासत के महाराजा लाल सिंह की तीसरी संतान महाराजा गंगा सिंह, शिक्षित, दूरदर्शी और प्रजा के सच्चे हितैषी। बात उस समय की है जब 1900 ईस्वी में बीकानेर रियासत में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए और भयंकर महामारी फैल गई। तब महाराजा गंगा सिंह से प्रजा का ये दुख देखा नहीं गया। इस समस्या के निरंतर समाधान के लिए उनकी सोच थी कि ऐसा नया शहर तैयार किया जाए जो बरसात के पानी पर आधारित ना होकर नहर द्वारा सिंचित हो और वहां अन्न का भरपूर उत्पादन किया जा सके ताकि रियासत के लोग खुशहाल हो सकें। इस सोच पर उन्होंने इस क्षेत्र को चुना जिसको रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था और इस क्षेत्र में सतलुज का पानी राजस्थान में प्रवेश करता था। सन 1906 में लॉर्ड कर्जन को यह प्रस्ताव दिया जो कि 1925 को क्रियान्वित हुआ और पंजाब से गंग नहर की खुदाई शुरू हो गई। 26 अक्टूबर 1927 को इसके उद्घाटन समारोह में वायस राय लॉर्ड इरविन की उपस्थिति में महाराजा गंगा सिंह ने इस शहर का नीम पत्थर रख श्री गंगानगर के विकास को आजादी के बाद ही गति मिलना शुरू हुआ। जब बहावलपुर, लैलपुर, गुजरात, बिहार व बीकानेर के काफी संख्या में लोग यहां आए, महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में जाकर बार बार वहां के किसानों को खेती के लिए आमंत्रित किया व उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान करवाई और उनके लिए मॉडल कृषि फार्म HS फार्म भी स्थापित किया है। सब डिवीजन, 9 तहसील, 7 पंचायत समितियां और सैकड़ों ग्रामों और ग्राम पंचायतों का जिला श्री गंगानगर 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत से अलग जिला बनाया गया। कृषि,
श्री गंगानगर की आय का प्रमुख स्रोत है। सर्वप्रथम गंगानगर शुगर मिल की स्थापना हुई, फिर ज्यादातर उद्योग कृषि पर आधारित हैं। जीनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री, स्पिनिंग एंड टेक्सटाइल मिल, ऑयल मिलें, आटा दाल मिलें, रिको इंडस्ट्रीज एरिया का निर्माण और गवार की गम की इंडस्ट्रीज विकास WSP। सूरतगढ़ थर्मल पावर, लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, पदमपुर एवं रावला की जिप्सम फैक्ट्री और सूरतगढ़ फार्म, छोटे और बड़े उद्योग धंधों के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी मार्केट है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ की मिश्रित संस्कृति में, खान पान व पहनावों में पंजाबी संस्कृति प्रभावी है। वहीं नृत्य एवं संगीत में राजस्थानी संस्कृति का दखल है। यहाँ पर मुख्यतः रूप में पंजाबी और बागड़ी भाषा बोली जाती है। सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ साहब, चानना धाम हनुमान मंदिर, कालीबंगा सभ्यता अवशेष, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लैला मजनू मजार, डाडा पम्मा राम समाधि, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हिंदुमल कोट पार्डर, शिवपुरी कागड़, सूरतगढ़ आकाशवाणी एवं अनूपगढ़ का किला टूरिज्म केंद्र हैं। लोगों में सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ की कई सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कई इकाइयां जन सेवा में जुटी हैं। मीडिया तंत्र अत्यंत मजबूत है। काफी संख्या में दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। मीडिया का प्रशासन एवं लोगों में बहुत सामंजस्य है। श्री करणपुर व पदमपुर तहसील के काफी लोग विदेशों में नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा गंगानगर बसता है। गंगा सिंह की धरती, ये पावन धरती, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी कर्मभूमि है। यहीं पर जीना चाहता हूं और यहीं पे मरना चाहता हूं। मेरा आखिरी सांस इसी धरती पर निकले। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।